संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। आपने दौरा किया, क्या पूरा मुद्दा था और किस लिए ये दौरा हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जब से सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत बना है, आप सारे इससे वाकिफ है कि हम तब से देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारा जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उनको देख रेख और कैसे हो रही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को अभी हमने देखा भी नहीं क्योंकि 19-20 मंथ्स हो गए। यहाँ पे भी ये आप देख रहे हैं हमारा कमर्शियल लैंड है, यहाँ के यूथ बैठे हुए हैं। अगर हमारा कहीं पे लैंड है जो कमर्शियल है उसको हम यहाँ के यूथ को रोज़गार मिले उस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे बैठे बैठे लैंड उसका कोई हमें फ़ायदा भी नहीं और वक्फ भी नुकसान में जा रहा है, हमें कहीं से वो ज़्यादा रेवेन्यू मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर है तो हम क्यों ना आए, और यहाँ का यूथ भी हमारे पास काफ़ी लोग आए कि मैम आपके पास यहाँ पे पीस ऑफ लैंड है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना भी है ये रोड साइड में है, हम इसमें कुछ दुकानें बनाएंगे, दुकानों के लिए देंगे ताकि यहाँ का जो बेरोज़गार यूथ है वो अपना रोज़गार कमा सके और उससे हमें रेवेन्यू आकर हम वक्फ को भी आगे चलाएं। मैम ये सिर्फ कमर्शियल साइड रहेगा या आगे पीछे का एरिया जो है वो भी इसमें आएगा? मतलब जो अभी कमर्शियल एरिया है वो हम अभी यूज़ करेंगे और यहाँ पे जितना भी है हम उसको वैसे ही कमर्शियल ही बनाएंगे। और हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका, बे ऑफ ऑप्शन क्या होगा? जो बेचना नहीं होता है, ये ऑक्शन होता है, लीज होता है, ऐसा बेच नहीं सकते हैं। जैसे आप सरकारी लैंड बेच नहीं सकते हैं, वैसे ही ये हमारे डिपार्टमेंट का लैंड है, हम बेच नहीं सकते हैं। इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एक्ट के हिसाब से है, जो हर जगह पे है वही यहाँ पे भी। कोई विशेष कम्युनिटी जहाँ? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, जो हमें बेरोजगार यूथ को रोजगार देना है। अब जैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर हम जाते नहीं है, चाहे कहीं भी हो जो हमारे एक्ट के मुताबिक है वही हम कर रहे हैं। कितने एरिया अभी भी आपके? ये है, यही जो आपके सामने है, यस यही है मेन। मैम मावा करोड़ा में शॉप सेल के लिए टेंडर हुआ था जिसमें एप्लीकेंट भी थे लेकिन वो वक्त से पहले ही खत्म हो गया, क्या अब दोबारा से ऐसा कुछ होगा? देखिए क्या होता है कि जब आपके पास पूरा निज़ाम सही होगा, अगर ये मावा करोड़ा जो यहीं पे है आगे जी, तो उसमें भी हम वैसे ही करेंगे, नए तरीके से करेंगे, नए जरिए से करेंगे ताकि वहाँ पे भी, अभी मैं वहाँ जाऊँगी मैंने लैंड देखा नहीं तभी तो मैं हर जगह खुद ही आ जाती हूँ। क्या ये ट्रांसपेरेंट तरीके से रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा कहा गया था ये ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं हुआ ही नहीं, तो ना ट्रांसपेरेंट रहा तो ना हिडन कुछ रहा, सारा ट्रांसपेरेंट होता है। हमारे यहाँ पे आज की डेट में कोई चीज़ हिडन है ही नहीं, जब से अल्लाह का करम है जब से हम आए हैं तब से कोई चीज़ हिडन है ही नहीं। आप भाइयों को इसीलिए बुलाते हैं कि 10 लोगों को और मालूम चले, तमाम लोगों को पता चले, क्योंकि हम अगर यहाँ पे अकेले आते, हमारे साथ आप भाई नहीं होते, आप हमारे साथ मीडिया नहीं होती तो शायद ये महदूद रहता। मीडिया ये है कि इसको विंग लग जाते हैं, लोगों तक पहुँचती है आवाज़, और हमारी मीडिया ऐसी है कि ये वक्फ की आवाज़ दुनिया तक पहुँची और साफ तरीके से पहुँची। जी मैम, आज आप अखनूर में हैं, डेवलपमेंट के लिए कौन से नए प्रोजेक्ट हैं जो अखनूर वालों के लिए आने वाले हैं काफ की तरफ से? हमारे पास जितने ज़राए हैं, जितना हमारे पास रेवेन्यू है या हमारे पास जो पीस ऑफ लैंड है, हम उसको मतलब लोगों के लिए ही यूज़ करेंगे, अपने युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जिनको वाकई में कोई और रोज़गार नहीं है। अगर हमारी लैंड यहाँ पे है तो ये यहाँ के लोगों के लिए है और इसको हम यूज़ करेंगे, इससे वक्फ को भी आगे बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। हमारा मकसद ही है कि डेवलपमेंट करनी है बाकी चीज़ों की भी, जहाँ जहाँ जो जो कम्युनिटी हैं, जो जो हमारी जगहें हैं उसको यूज़ करना है प्रॉपर वे में और पॉजिटिव वे में।
इधर सर्वाधन उसका कहीं मसला रहेगी जाने का।